व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तक आप सभी लोग स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और गाइस, यार आपने भी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने सुपर कार्स वर्सेस वाटर रैम चैलेंज किया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाया था। और फिर मैंने बोला था कि भाई हम SUVs का चैलेंज करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SUVs वर्सेस मेगा रैम्प। तो भाई मेरे पास गाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी? दो गाड़ियाँ तो मेरे पास लास्ट रैम्प में भी थी, ये डिफेंडर, हमर, लेक्सस J63 और BMW X6। तो भाई ये मेरे पास पांच गाड़ियां हैं यहाँ पे रैंप टेस्ट करने के लिए। और अभी मैं इनका फटाफट से रैंप टेस्ट करने वाला हूँ। ये रहा भाई अपना रैंप, और ये बहुत लंबा रैंप है भाई, अभी यहाँ से नहीं दिखेगा आपको। तो मैं पहले एक गाड़ी आपको ले जाके दिखाता हूँ और स्टार्ट करते हैं। हम कौन सी गाड़ी से स्टार्ट करें? हम लेक्सस से स्टार्ट करते हैं फटाफट। बहुत लंबा रैंप है भाई और बहुत मज़ेदार रैंप है, चलते बिना किसी भाई फटाफट लेट्स गो। तो भाई अपनी लेक्सस चल पड़ी है और देखेंगे कि कौन सी लंबा है, देखेंगे कि कौन सी गाड़ी चढ़ पाती है कौन सी नहीं। सारी गाड़ियों को बस एक एक ही ट्राई मिलेगा। ये है भाई इसमें मज़ेदार, अभी तो यहाँ पे पानी आ गया भाई। भाई ये हो गई लेक्सस ख़राब। ये है भाई इस रैंप की खासियत, मोबाइल लेक्सस बिल्कुल ख़राब हो चुकी है ना। ये बस इसके टायर टायर घूम रहे भाई, ना ये आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, कहीं नहीं जा रही, और वापस इसमें अब बैठा नहीं जा रहा। तो भाई ये थी इस रैंप की खासियत जो मैं आपको दिखाने लाया था। और अब चलते हैं अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ, क्योंकि भाई लेक्सस तो अपनी हो चुकी है ख़राब, और मुझे इससे यही उम्मीद थी भाई। इनमें से कुछ ही गाड़ियाँ हैं जो ये रैंप कर पाएगी, और लेक्सस से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये कि ये SUV है इसलिए मैं इसको लेके आया था, और ये पहला रैंप इसने क्रॉस करते ही ये हार चुकी है। चलते अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ फटाफट बिना ये किसी। रही अपनी दूसरी गाड़ी J63 AMG लेक्सस का। आपने देखा क्या हाल हुआ था, थोड़ा सा इसको थ्रॉटल देते थे भाई, और चलते हैं इसको लेके, लेट्स गो। इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं भाई क्या होने वाली है। तो 70 की स्पीड पे चढ़ रही है भाई, देखेंगे इसका क्या हाल होने वाला है, यहीं पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा इसका भी। भाई पानी बहुत ज़्यादा है इसकी बारी में, तो भाई क्रॉस तो इसने कर दिया है पहला वो, और स्पीड पे कितना फ़र्क पड़ा भाई, इसके इंजन पे एकदम से लोड पड़ा है। स्पीड देखो कितनी हो गई है, मुझे नहीं लगता ये वाला रैंप सर्वाइव कर पाएगी अगर पानी ज़्यादा हुआ तो। तो भाई निकल चुकी है यहाँ से ये, और पानी बहुत ज़्यादा था भाई, कर दिया भाई सरवाइव इसने, कर लिया इतने पानी पे भी इसने सरवाइव कर लिया है भाई। लेकिन स्पीड देखो चढ़ने की कितनी कम हो चुकी है, 22-20 की स्पीड भाई। नेक्स्ट रैंप पे तो ये मुझे लगता है चढ़ ही नहीं पाएगी यार, नीचे की तरफ तो सबकी स्पीड तेज़ हो जाती है भाई, 150 टच कर रही है ये भाई। ये भी इसने पार कर दिया भाई, कमाल कर लिया यार गाड़ी, एक नंबर। अब की बार तो इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो चुकी है बढ़ने की। फिर से एक और रैंप आया भाई, थोड़ा ही बचा है इस बार। तो भाई सबसे ज़्यादा पानी था और सबसे आसानी से इसने यही क्रॉस किया है, कर जाएगी भाई। चढ़ने में स्पीड थोड़ी कम हो जाती है लेकिन कर जाएगी, इतना मैं जानता हूँ। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है ये हम सोचते हैं अभी। ये तो कर जाएगी भाई, ये तो विनर है शायद, ये लास्ट वाला रैंप है, ये सेकंड लास्ट है शायद से, बस दो और बचे भाई, बस दो और कर दे तो मज़ा आ जाए इस रैंप पे। तो भाई मैं इंडियन कार्स की टेस्टिंग करूँगा, एक नंबर टेस्टिंग होगी इस रैंप पे इंडियन कार्स की भाई। ये तो भाई प्रोफेशनल ब्रांड्स है। तो भाई ये रहा लास्ट रैंप, और देखते हैं भाई अपनी लेक्सस यहाँ तक कैसे आ गई भाई, पहुँच चुकी है यार। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, नीचे गिर गई, कोई बात नहीं चलो। लेकिन भाई जीत चुकी है अपनी G-Wagon AMG। गाइस यार ये रही अपनी तीसरी गाड़ी BMW X6, और इससे भी मुझे लेक्सस जैसी उम्मीद है भाई। पता नहीं इसका इंजन कितना पावरफुल होगा, जितना मैं सोच रहा हूँ उतना तो है नहीं, देखते हैं, वो तो पता चल ही जाएगा। इस रैंप पे करते स्टार्ट, लेट्स गो। तो भाई स्पीड तो इसने काफ़ी अच्छी पकड़ी थी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये नहीं कर पाएगी, चढ़ ही नहीं पा रही भाई, क्या रैंप करेगी, एक पानी का झटका लगेगा ख़त्म हो जाएगी। अबे भाई चढ़ जा, ओ भाई साहब कैसे चढ़ रही है यार ये, कितनी मुश्किल मुश्किल से चढ़ाई है यार मैंने, अभी पता चलेगा इसको कि क्या हो रहा है आगे। सोच रही थी बस ऐसे ही
कुछ भी चल रहा है आगे एक तरफ। लो भाई भाई कॉर्थियो भाई, लेक्सस से तो ये भी आगे चली गई है। बहुत बढ़िया भाई, मुझे तो इससे जब पहली बार में उम्मीद ही नहीं थी इससे इतनी हो जाएगी। ये 9 की स्पीड हो गई थी भाई अभी इसकी, 9 की स्पीड क्या होती है। और ये इसका दूसरा रैंप, पानी थोड़ा ज़्यादा आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। अभी बहुत पानी आया भाई, लेकिन भाई पार कर रही है BMW। लेक्सस ही बस मुझे लगा था खटारा गाड़ी है, नहीं कर पाएगी। चढ़ रही है भाई 9 की स्पीड से, नहीं जा रही पीछे, लास्ट 9 तक जाती है और फिर पकड़ती है स्पीड। अब देखो जैसे, और भाई ये इसका तीसरा रैंप, और ये गए हम फटाफट नीचे और पानी आया और ये टक्कर कर गई भाई, इसको भी पार कर गई यार। मस्त गाड़ी है भाई BMW भी, चढ़ जानी चाहिए, चढ़ेगी भाई 9 की स्पीड। ये प्लेन कितनी बार जाएगा यहाँ से, कोई बात नहीं भाई। यार अपने BMW का ये सेकेंड लास्ट रैंप है और ये इसने किया क्रॉस भाई, एक नंबर गाड़ी चल रही है यार, मक्खन की तरह बिल्कुल। क्या हो गया भाई, 8 की स्पीड, 9 भाई, मुझे तो लगता है ये जाएगी गंदी तरह जाएगी, बेइज्जती करा के जाएगी इतनी दूर आके। नहीं भाई स्पीड पकड़ रही है भाई, 30 की स्पीड हो चुकी है, 40 की भी कवर, 40 की नहीं हुई भाई सॉरी, लास्ट रैंप पे बस। आई होप इसको पार कर जाए, पहुँच जाओ ऊपर तक। नहीं पहुँच पाई भाई, नहीं पहुँच पाई। हमार जो कि अपनी सेकंड लास्ट कार है BMW का, हालात आपने देखा, BMW वहाँ पहुँच तो चुकी थी लेकिन ऊपर तक नहीं पहुँच पाई, तो भाई वो हारी मानी जाएगी। अभी तक सिर्फ एक ही गाड़ी जीती है और उसका नाम है जी वैगन। भाई हमार इतनी धीरे क्यों चल रही है यार, ये तो इसका तो इंजन पावरफुल है लेकिन भाई बॉडी वेट भी तो ज़्यादा है ना, बॉडी वेट ज़्यादा है इस वजह से। और भाई ये तो चढ़ ही नहीं पा रही यार, ये तो ड्रामा हो रहा है बहुत तकड़ा। 4 3 2 1 0 भाई, 0 की स्पीड। अरे भाई चल यार, बैक जा रही है भाई ये तो, कुछ करना होगा भाई बहुत जल्दी यार। नहीं चढ़ पाई, एक बार और ट्राई करते हैं, इसको नीचे वापस ले जाते हैं, पीछे से लाएंगे तेज़ फटाफट, और देखते हैं अब की बार चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी। मुझे नहीं लगता भाई ये चढ़ पाएगी, इसके बस की बात नहीं रही यार। इससे अच्छे तो भाई लेक्सस भी थी यार, वो चढ़ तो रही थी, चढ़ गई थी मतलब, ये तो चढ़ ही नहीं पा रही है। 7 6 5 4 3 2 1 0 इसके बस की बात नहीं है भाई, तू बस कर, तू नीचे ही रहे, तू मॉडिफिकेशन में ही ठीक है, तू वहीं खड़ी रहे बस। सबसे ज़्यादा उम्मीद इस गाड़ी से है मुझे, जी वैगन से मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन वो कर गई, और हमर से मुझे उम्मीद थी लेकिन वो नहीं कर पाई यार। अब देखते हैं डिफेंडर भाई, मैं आँख बंद करके बोल रहा हूँ, ये गाड़ी चीर फाड़ करती जाएगी भाई, एक नंबर गाड़ी है, करते हैं इसको स्टार्ट। और भाई क्या जंप लिया इसने यार, ऐसा ही होता है भाई जब किसी गाड़ी से आपको बहुत उम्मीदें हो और वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो बड़ा मज़ा आता है गेम खेलने में। तो अभी ये चढ़ रही है सेकंड रैंप इसका, इसके साथ हम गिनेंगे भाई, गिर मत जी नीचे, मत गिर जी नीचे, मत गिर जी। चलो भाई बच तो गई, वरना अभी जाती पानी में और सारी मेहनत वेस्ट हो जाती भाई इसके साथ की। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिफेंडर डिफेंडर है भाई, डिफेंडर को तो इस रैंप में कोई हरा भी नहीं सकता भाई, जितनी तेज़ी से ये करेगी इस रैंप को ना, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी गाड़ी ने भी किया होगा। भाई स्पीड देखो चढ़ने की, इतनी स्पीड तो किसी भी गाड़ी की नहीं है अभी तक। और भाई मज़ा आ रहा है यार इसके साथ चलाने में, उसकी तो किस्मत इतनी अच्छी है भाई, पानी भी नहीं आ रहा इसके लिए, तो बहुत अच्छी किस्मत है गाइस यार इसकी तो। पता नहीं कौन सा रैंप था, मैं बातों में लग गया, बट कौन सा रैंप चल रहा है अभी ये, कोई बात नहीं, पानी आ गया भाई, किस्मत की बात की थी और पानी आ गया यार। तो भाई हल्का सा इसकी बॉडी पे थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है भाई, ऐसी थोड़ी ना पैसे लगते हैं इसमें। भाई पानी देख लो नीचे और देखना, पार करके दिखाएगी ये गाड़ी आपको। आप देखा भाई आप लोगों ने क्या तरीके से पार किया, इतना पानी था फिर भी हल्का सा भी प्रेशर नहीं पड़ा इसके इंजन के ऊपर, बस गाड़ी भागे जा रही है भागे जा रही है। तो भाई ऐसी गाड़ी तो लाइफ में होनी चाहिए रियल में सबके पास,
हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं। मैं भी नहीं कर सकता अफोर्ड, मैं भी गेम में ही अफोर्ड कर सकता हूँ बस। तो भाई ये इसका लास्ट टाइम था, मैंने ध्यान नहीं दिया और भाई फिर से पानी आ चुका है और ये इसने लिया जंप। बस यहाँ रुक जाओ, मैं इसको अपना आप देख लूँगा फिर। भाई ये कंट्रोल हो चुकी है गाड़ी, बस ये थोड़ा और कंट्रोल हो जाए, ये जंप ले ले बस। तो भाई ये जंप इसने ले लिया है, मुझे लग रहा है सबसे अच्छी तरीके से भाई डिफेंडर जीती है यार, कोई चीटिंग नहीं किया। लेकिन इसके शीशे टूट चुके हैं पीछे वाले, कोई बात नहीं भाई, डिफेंडर अपनी जीत चुकी है बहुत अच्छे स्कोर के साथ। और भाई आज की विनर होती है डिफेंडर, और कल हम इसमें करने वाले हैं इंडियन कार्स वर्सेस मेगा रैम्प, जो कि यही वाला मेगा रैम्प हम करेंगे इंडियन कार्स के साथ। देखते हैं कौन सी इंडियन कार में सबसे ज़्यादा पास। वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।